क्या आप सन्निधान के अंदर लोगों की अदरी बंद कर रहे हैं? वेद पुराणों में भी इसका जिक्र है या नहीं है? देखो हाँ बोलिए। डॉक्टर इसको मतलब मान भी नहीं रहे इस चीज को। देखिए प्रेतोन्माद महर्षि सुश्रुत ने भी लिखा है और चरक संहिता में भी लिखा हुआ है। तब जो प्रेतोन्माद है उसी को हाजिरी हम बोलते हैं, यानी कि प्रेत शरीर के अंदर आके उन्माद करता है, तेजी से भ्रमण करता है, घूमता है, और जब वो भ्रमण करता है तो माथे में आ गया यहाँ तो आगे सिर जाएगा, फिर पीछे चला गया पीछे जाएगा, यहाँ आया यहाँ, जिधर वो धक्का मारेगा उधर ही सर जाएगा। इसको हम हाजिरी बोलते हैं, यही प्रेतोन्माद है कि वो आंखें दिखाएगा, ऐसे करेगा, ऊपर नीचे करेगा, ठीक है, तब कोई इसको पकड़ नहीं पाएगा, तब एक छोटे से व्यक्ति में अपर बल आ जाएगा और उसके बल के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, वो चीजें तोड़ेगा फोड़ेगा, उसको कहीं चोट लग रही है उसको पता नहीं है, तब ऐसी दशा में माँ बाप उसको सर्वप्रथम डॉक्टर के ले जाते हैं, डॉक्टर उसको दो चार बेहोशी के इंजेक्शन लगाता है, बाद में उसकी हालत वही रहती है तो डॉक्टर कहता है अपने को कहीं और ले जाओ, वरना तो आदमी क्या है आज का, उसको वो तो है ही नहीं, शांति भी नहीं है उसको, तब वो उस डॉक्टर से पूछेगा भी नहीं, भाई मेरा बच्चा अभी ठीक नहीं हुआ, तब वो अपने आप ही लेके चल देगा, क्योंकि तब तक उसको कोई ना कोई बता देगा तेरे बच्चे को प्रेत है, कुछ नहीं तो डॉक्टरों के यहाँ नर्सें काम करती हैं वही बता देती हैं, अरे ये हमारा नहीं है प्रेत का, ये ले जा कहीं और कर जा अपना हिस्सा, ऐसे होता है। तब वो अगर शनि धाम में आते हैं तो उसका उन्माद बंद हो जाता है, ठीक है, फिर उन्माद तभी होता है जब वो शनि धाम में आते हैं, घर पे उन्माद बंद हो जाता है, हाजिरियां बंद हो जाती हैं, और अब तो शनि धाम में जैसे महारत है आपकी 50 साल की हाजिरी है वो भी यहाँ आते ही बंद हो जाती है। जय श्री कृष्ण।